प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 13 दिन में तीसरी बार बिहार का चुनावी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बिहार में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। पीएम मोदी की पहली जनसभा गया में और दूसरी पूर्णिया में हुई। इस दौरान उन्होंने गया में एनडीए प्रत्याशी और हम के संस्थापक जीतन राम मांझी के लिए समर्थन मांगा, तो वहीं पूर्णिया में जेडीयू प्रत्याशी के लिए पीएम मोदी ने वोट की अपील की। इस दौरान पीएम मोदी ने लालू की पार्टी आरजेडी और इंडिया अलायंस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरजेडी को जंगलराज का चेहरा बताते हुए कहा कि भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी है। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि आज एनडीए सरकार के लिए वंचित और शोषित वर्ग प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जिसको कोई नहीं पूछता, हम उसकी पूजा करते हैं। एक समय था जब केंद्र सरकार बिहार को पिछड़ा कहती थी, लेकिन हमने सीमांचल और पूर्णिया के विकास को अपना मिशन बनाया है। आज एनडीए सरकार के लिए वंचित शोषित वर्ग हमारी पहली प्राथमिकता है। जिसको किसी ने नहीं पूछा, हम उसको पूज रहे हैं। एक समय था जब केंद्र की सरकारें बिहार को पिछड़ा कहकर पीछा छुड़ा लेती थी। बिहार की सरकारें सीमांचल को पिछड़ा कहकर के पलड़ा झाड़ लेती थी, लेकिन हमने सीमांचल और पूर्णिया के पूर्ण विकास को अपना मिशन बनाया है। आगे पीएम मोदी ने कहा कि घमंडिया गठबंधन का कोई विजन नहीं है। ये लोग जब वोट मांगते हैं तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार के काम पर मांगते हैं। पूरा बिहार जानता है कि वो क्यों नीतीश जी और केंद्र सरकार द्वारा किए गए काम का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन ने तुष्टिकरण के लिए प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। साथियों, घमंडिया अलायंस के पास न कोई विजन है, न कोई विश्वास है। ये लोग जब वोट मांगने जाते हैं तो भी नीतीश जी के कामों पर वोट मांगते हैं। ये लोग क्यों नीतीश जी के कामों का, केंद्र सरकार के कामों का क्रेडिट खाते हैं, वो पूरा बिहार जानता है। इस बीच बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी जंगल राज टिप्पणी के लिए पलटवार किया और सवाल उठाया कि पीएम ने बिहार के लिए क्या किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने आईटी नीति, पर्यटन नीति, खेल नीति बनाई। बिहार में पहली बार 50,000 करोड़ रुपए के निवेश का MOU साइन हुआ। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी इसे जंगल राज कहती है तो मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। लाखों में नौकरी मिला, लोगों का मानदेय दुगुना हुआ। यहाँ हम लोगों ने आईटी पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, जाति आधारित गणना कराई, आरक्षण के सीमा को बढ़ाया, इन्वेस्टमेंट जो है निवेश का 50,000 करोड़ का पहली बार बिहार में MOU साइन कराया। ये उनको जंगल राज नज़र आ रहा है तो हम इस पर क्या कह सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को हम लोगों को गाली देने के बजाय 10 साल में उन्होंने जो वादा किया था वो बिहार के लिए क्या किया? इनका मैनिफेस्टो में बिहार का जिक्र क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री ने 4 चीज़ें दी हैं केवल, बेरोजगारी दिया है, महंगाई दिया है, गरीबी दी है और जुमलेबाजी किया। लोकसभा चुनाव को अब महज 3 दिन बच गए हैं। इस बीच सभी पार्टियों में घमासान लगातार जारी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनावी घमासान में कौन बाजी मार ले जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।